नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलजेब्रा बीजगणित। लोग काफी डरते हैं इससे, तो मैं आज आपको जो करा रहा हूँ फॉर्मूलाज करा रहा हूँ। फॉर्मूला जो है सारे के सारे पता होने चाहिए। वैसे हो सकता है आपको याद हो, मुझे नहीं पता, पर आप इन्हें दोबारा याद कर लीजिए जो मैं लिखा रहा हूँ। सब एक बार जरूर राइट डाउन कर लीजिए पेपर पेन लेकर के, ये बहुत कंपल्सरी। जो फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा ना, जिस तरह से बताऊंगा आपने वैसे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? तो आज प्लीज देखिए जरा कैसे है। एलजेब्रा बीज गणित, ठीक है? तो बीज गणित में सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो सबको याद है, कौन सा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना सबको? क्या है फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये हैं स्क्वायर के फॉर्मूलाज, ये हैं बेस फॉर्मूलाज, है ना? इसका क्या हो जाता है? तो फॉर्मूला तो यही है, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आता है? देखिए, अगर मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के ये जो माइनस टू ए, ये जो प्लस टू ए बी है, इसको इधर ले आऊं, इसको जगह माइनस टू ए बी हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन यहां से आता है, इस फॉर्मूले से आता है क्वेश्चन। कैसे आता है देखिए, कैसे आता है? ऐसा आता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर फाइव, तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, ये पूछेगा सवाल। इसका बताइए आंसर क्या होता है, है ना? तो लोगों ने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कहां से है बताता हूं, देखिए क्या होता है। तो अब एक काम कीजिए, एक बात सोचिए, ये एक वैल्यू है x, इसको मान लीजिए a है, ये क्या है? ये b है, ठीक है? और हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी बराबर पांच दे रखा है ना, वैल्यू समझ आ गया ना? a प्लस बी बराबर पांच दिया हुआ है ना, तो यहां रख दीजिए ना, पुट कर दीजिए ना वैल्यू। तो फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूछेंगे वन कहां से आया, तो जो ए बी है ना, ए बी, ए बी इज इक्वल टू वन, कैसे? ऐसे कि एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, वन बचेगा, समझ आया? ऐसे ए बी बराबर वन, क्योंकि ए हमारा एक्स है, बी हमारा वन अपॉन एक्स, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, वन बचेगा, समझे? तो वैल्यू क्या है इसकी? 25 माइनस टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 23। आंसर आ गया, ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? 23 आंसर। समझ आई बात? तो क्वेश्चन कहां से पूछता है? क्वेश्चन यहां से पूछता है। ये है सवाल जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल था, आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। ये सभी एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? आप एसएससी सीजीएल का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये फॉर्मूला क्या है इसका? अगर मैं से ए माइनस बी, और ये जो माइनस टू ए बी से धर ले आऊं, तो प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? ये दो फॉर्मूले हैं जो इन्हीं से बने हैं, बेस फॉर्मूलाज तो यही हैं, लेकिन फॉर्मूला ये है जो इनके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है? एक फॉर्मूला और बताता हूं, क्या है फॉर्मूला? है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, हो सकता है? नहीं हो सकता, बेस फॉर्मूलाज यही है, पर ये हो सकता है। कैसे हो सकता है बताता हूं, देखिए इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना?
सॉरी ये a माइनस बी का प्लस टू ए बी और माइनस फोर ए बी क्या आएगा कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है दूसरा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी सॉरी हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ठीक है ये हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए कैसे हो सकता है इसको खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी इससे दो कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सॉल्व हो गया ना हा समझ में आ रही है ना बात। तो एक फॉर्मूला हमारा ये है एक फॉर्मूला हमारा ये है एक हमारा ये है एक हमारा ये है एक ये है और ये करीब छह फॉर्मूले बेस्ड हो गए स्क्वायर पे हो गए ना छह फॉर्मूले बेस्ड स्क्वायर पे मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने भी हमारे गिने चुने बेस फॉर्मूलाज हैं बस उनको तोड़ मरोड़ के लिखना होता है बाकी वैल्यूज ऐसे ही आते हैं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बस समझने की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना समझ में आ रहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम a प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी लिख सकते हैं या a प्लस बी का स्क्वायर को a माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका क्वेश्चन है उसके अनुसार हम एक फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अभी दो फॉर्मूलाज और रह गए हैं कौन कौन से रह गए हैं एक फॉर्मूला रह गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए एक फॉर्मूला ये है जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या रह गया स्क्वायर में एक लास्ट फॉर्मूला रह गया वर्गांतर का फॉर्मूला वर्गांतर समझते हैं ना यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर क्या होता है जैसे लिखते हैं ए प्लस बी और a माइनस बी ये होता है वर्गांतर का फॉर्मूला। अब ये क्यों होता है ये अगर इसको ऐसे करें तो क्या ऐसा हाँ ऐसा बन सकता है देखिए मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं मल्टीप्लाई करना भी सीख लेते हैं थोड़ा सा तो ये कैसे बन के आया कहां से निकला तो इसमें क्या करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो कर लीजिए वन बाई वन पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए हो जाएगी ए स्क्वायर फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए हो जाएगा माइनस ए बी फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए ये हो जाएगा प्लस ए बी और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए माइनस बी स्क्वायर तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा नहीं बचा तो क्या निकल गया ये निकल गया प्रूफ हो गया ना तो आपको मल्टीप्लाई भी सीख लिया आपने और स्क्वायर में आठ फॉर्मूलाज बनते हैं आठ तरह से आठ पैटर्न पे क्वेश्चन आता है वो बस यही है ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफाई कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूं ठीक है। अब क्या शुरू करते हैं अब शुरू करते हैं क्यूब्स के फॉर्मूलाज है ना कि क्यूब में कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं तो जबकि जितने अधिक सवाल आते हैं ना मैक्सिमम वो क्यूब वाले फॉर्मूलाज पे ज्यादा आते हैं ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है तो a प्लस बी का होल क्यूब देखिए ये फॉर्मूला है क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी एक तो फॉर्मूला ये है एक फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ये दो फॉर्मूलाज हैं ये दोनों के दोनों बेस फॉर्मूलाज हैं जो क्यूब पर डिपेंड है।
अब इसका क्या करते हैं, इसका होता है ये, इसे आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, पक्षांतर करके ये वाले जो वैल्यू है इसे दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ आया? आया। उसके बाद दूसरा क्या है, इसका क्या होता है, इसका होता ही है कि ए माइनस बी क्यूब बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यही होता है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कुछ और पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो भी बता देता हूं पहले। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला, है ना। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इस वैल्यू को क्या कीजिएगा, इधर ले आइए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करिए ए प्लस बी कॉमन ले दीजिए, यहां से ले लिया कॉमन, यहां क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, यही बचेगा ना। एम आई राइट? आगे क्या करते हैं, इसको खोल दीजिए इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस थ्री ए बी, हो गया। तो काट दीजिए, क्या आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक टू ए थ्री ए बी में से एक ए दो ए बी चला जाएगा तो ए बी बचेगा ना, यही तो था फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला ही है, यही फॉर्मूला ही है, हो गया ना सॉल्व। समझ आया कुछ? इसी तरह से ये हो जाएगा, अगर आप इसे भी सॉल्व करना चाहेंगे दूसरे वाले को तो ये भी हो जाएगा है। इसको भी सॉल्व करके बता देता हूं, आप कहेंगे ये तो बताया नहीं था। इसको भी सुनिए क्या होता है, ये है ए माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए माइनस बी। अब क्या करिए ना, इसमें ना ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, जब a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, यही तो बचेगा है ना। इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको समझ आए। अच्छा इसको भी सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी, ये होता है ना। तो जब ये होता है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये निकल आया हमारा फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए, सॉरी ये प्लस ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दो फॉर्मूलाज निकल के आए हैं सॉल्यूशन करके। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हमने जब खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किया तो माइनस टू ए बी से माइनस थ्री ए बी जब गया तो प्लस का ए बी बचेगा, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये बचेगा।
तो ये हमारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूलाज ये हैं जो कि यहीं से निकल के आए हैं। समझ आ रहा है? ये है एलजेब्रा, इस तरह से होता है सॉल्यूशन इन्हीं फॉर्मूलाज का। आपने बस इनको प्रूफ किया है ना। अभी एक फॉर्मूला है जो कि सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है क्यूब सीरीज का, और इसके ऊपर ना जितने सवाल बाकी फॉर्मूलाज पे पूछे गए हैं सबसे ज्यादा सवाल इस अकेले फॉर्मूलाज में पूछे गए हैं। क्या फॉर्मूला है देखिए, फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc सॉरी माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है? ये होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये इसका फॉर्मूला है। अब होता क्या है कि इसमें सवाल पूछा ये जाता है कि मान लीजिए वो कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। अगर आप चेक करेंगे तो 14, 15 और 16 का SSC CGL से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है? अब जब बच्चों ने देखा तो बच्चे बड़े समझदार, बच्चों ने तैयार कर लिया सवाल कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये पैटर्न आ रहा है, पर एसएससी इससे भी ज्यादा समझदार है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दे रहा है आपको ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3 और सी बराबर -1/5, इन्होंने वैल्यू दे दी ए बी सी की, ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि इसका मतलब बताइए। अब चलिए सुनिए कि जब a प्लस b प्लस c बराबर जीरो दे रखा है तो जीरो हो गया हमारा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, जीरो हो गया ना। तो जब जीरो हो गया तो जीरो में किसी की भी मल्टीप्लाई करो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, अब क्या बचा हमारा, बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये लिख सकते हैं ना इसको, am I right? सही बोल रहा हूं ना। तो अब क्या करना है, अभी क्या है, अभी वैल्यूज दे रखी हैं, क्या दे दिया 3abc हो गया। अब तो 3abc कर दीजिए, 3 into a बराबर 1/2, 1/3, 1/5, माइनस का 1/5 है ना, तो क्या जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 × 20, माइनस का 30 × 3 1/90, किसका, माइनस का 1/90, आंसर सॉल्व हो गया ना, ये होना था बस सॉल्व। अब हुआ क्या कि इसके बाद उसने क्या काम किया, इस पैटर्न को ना चेंज कर दिया। जब एसएससी को समझ आ गया कि बच्चे समझदार हो गए हैं, उसने क्या काम किया, अब एक नया क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या दिया, अब क्या हो रहा है आजकल जो सवाल पूछ रहा है एसएससी, वो ये पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर बताइए क्या होगा यदि a बराबर 432, b बराबर 436 और सी बराबर 438 हो तो, है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को ना बाहर ले लेंगे। जब से आप बाहर लाएंगे तो क्या आ गए, इसको रख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही है ना। तो क्या करें, इसमें एक काम ना करें, इसमें ना दो से गुणा कर देते हैं और दो से भाग कर देते हैं, कैसे कि 2 into
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन टू। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, वन बाई टू टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, यही आएगी ना वैल्यू, एम आई राइट। तो क्या करते हैं इसे ना ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, इसको रखिए एक बटे दो, इसका एक ए ले लेते हैं एक, यानी कि ए स्क्वायर प्लस इसका बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस टू ए बी ले लो, माइनस टू ए बी, समझ आया। उसके बाद दूसरा क्या है, प्लस में एक बी स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का टू बी सी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा वही हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। अब ये कौन से फॉर्मूला बने, कुछ समझ में आया, तो इसको लिख सकते हैं हम एक बटे दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना इसको, सही है ना, ठीक है। तो क्या हुआ जब हमने सही लिखा, तो अब ये वैल्यूज है ना इसको इसमें पुट करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि ये है क्या a प्लस बी प्लस सी का एक बटे दो, ये वाला एक बटे दो आगे इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे, a की वैल्यू हमें दे रखी कितना बेटा, चार तिया बारह मतलब 1200, तीस तिया नब्बे मतलब 1290, आठ दो दस यानी 1300, 1306 ये वैल्यू बैठी 1306, ठीक है। तो 1 by 2 into 1306, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, a minus b का होल स्क्वायर, a minus b क्या है 432 में से 436 के कितना बचा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 32 4 36, ठीक है। प्लस ये क्या है b minus c, 36 में से 38 के कितना बचा 2, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस 38 में से 32 के कितना बचा, ये बचा प्लस का 38 में से सी माइनस सी कह रहा है ना, 38 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, एक बटे दो इंटू 1306 इसमें आएगा 16 प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 36, तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, पूछा जाए ये जो पूछ रहा है ये, इसका आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी बराबर क्या आएगा, जो ये सॉल्व हो क्या आएगा, वही आएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी 36 से 48, 40 50 से 56, 56 गुणा हो जाएगी 2 से 8 दो 28 बार, 28 गुणा इसमें कर दो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक चीज है जो मैं आपको अभी तक नहीं बता, मतलब अभी तक आपको बता रहा हूं दोबारा से, वो आपको सबको पता है, मतलब आपने वो चीज पहले भी पढ़ी है ना, और वो आपने थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि अगर बेस समान हो तो जो घाते हैं गुणा में जुड़ जाती हैं भाग में घट जाती हैं, है ना। कैसे, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए x का बेस, मतलब बेस x है इसकी पावर 4 है इनटू x की पावर 6 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे x की पावर 10, ठीक है। चलिए दूसरी तरह समझाता हूं, मान लीजिए x की पावर m है और इसमें मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर n से, तो क्या आएगा, x की पावर m प्लस n, यही आएगा ना। अगर आ जाए कि x की पावर m है अपॉन x की पावर n है तो क्या आएगा,
एक्स की पावर आ जाएगा एम माइनस एन, क्योंकि जब भी डिवीजन होगा तो पावर घट जाएगी और मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना। अब सवाल हो जाए कि एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर पी हो तो क्या करेंगे, इसे करेंगे एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस पी, कितना ही तो होता है। तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी हैं, ये बेसिक हैं कि अगर बेस सेम है तो उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती हैं और डिवीजन में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घटा दिया जाता है उन्हें, ठीक है ना। तो ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि थर्ड या फोर्थ क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को कि बेटा बेस सेम होने पे ना घातें गुणा में जुड़ जाती हैं और भाग में घटा दी जाती हैं। तो आज जो थी क्लासेस वो इसी के बेस पे थी, आज के फॉर्मूलाज का जितना लॉजिक था, जितना टॉपिक था, वो सब खत्म हो गया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज ये क्लास सही से देखिएगा दोबारा से, और मेरा ये टॉपिक, ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है अलजेब्रा की, इसके बाद आगे से क्वेश्चन शुरू करेंगे अलजेब्रा के ऊपर। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को दोबारा से सही से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो जो मैंने लिखा है प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार अपनी कलम के नीचे से निकाल दीजिए एक फॉर्मूले को, अगर आप निकाल दें कलम लिख लेंगे तो आपको दोबारा से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते रहिए, जैसे ही एग्जाम आएगा आप एक बार में क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।